नमस्कार, ब्रेन विजन में फिर से स्वागत है आपका। आज हम चर्चा करेंगे राजा हरिदेवन सिंह जी से, जो कि एक सुलझे हुए समझदार और पॉलिटिशियन है। राजा साहब, आपका स्वागत है। आपने काफी चीफ मिनिस्टर्स के साथ काम किया, तो आपके एक्सपीरियंसेस एक जनता जानना चाहेगी कि एक मिनिस्टर और एक चीफ मिनिस्टर का क्या रिलेशनशिप होता है। देखिए, 89 में जब पहले दफे मैं एमएलए बना, तो मनाज सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे और एक डेढ़ साल ही वो रही, फिर वो गवर्नमेंट में गई और फिर गवर्नर जरूर रहा, फिर इलेक्शन हुआ, फिर थोड़े दिन सरकार चली 91 में, फिर वो गवर्नर जरूर रहा, फिर 96 में जाके जब इलेक्शन में, तब जाके कहीं स्टेबल 5 साल की सरकार बनी। और उन 5 सालों में आदरणीय कल्याण सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री रहे, उनके साथ क्या मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद राम प्रकाश जी, आदरणीय राम प्रकाश जी गुप्ता रहे, फिर उसके बाद आदरणीय राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, और फिर उसके बाद बीजेपी और पीएसपी का तालमेल था, तो उसके बाद भी मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा जी के साथ। 2012 में साथ में चुनाव हार गया था, 7 से 12 में फिर समाजवादी पार्टी से लड़ा, तो मैं अंग्रेजी के साथ प्रधानमंत्री का स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन मंत्री रहा, तो 4-5 मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने का उनके कैबिनेट में रहने का मौका मिला। एक नॉर्मल, जैसे हम सब जानना चाहते हैं कि एक कैबिनेट मिनिस्टर, और एक हमने किताबों में पढ़ा है कि चीफ मिनिस्टर भी कैबिनेट या गवर्नर के कैबिनेट मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, टीम ऑफ चीफ मिनिस्टर, लेकिन डे टू डे प्रैक्टिस में क्या आप रोज चीफ मिनिस्टर से मिलते हैं या जब काम होता है तभी मिलते हैं? या देखिए, उस समय नहीं, कैबिनेट में तो हर हफ्ते मीटिंग होती थी, मिल लेते थे, नहीं तो समय जब मारते तो उनसे समय दे देते थे, साथ मिलना या कभी तो समय दे, और इनफैक्ट बीच में हफ्ते में कोई अगर जरूरत होती थी महसूस करते थे जैसे मिलना, और समय दे के समय से मिल लेते थे, वो कोई काम है काम है, और बाकी विधानमंडल की जब होती मीटिंग होती है, जब भी सेशन होता है तब भी उससे पहले विधायक इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, या जिसको कोई मुख्यमंत्री बुलाए किसी विशेष काम से जवाब जाते हैं, ये तालमेल क्योंकि उनकी कैबिनेट में है तो ये रिलेशनशिप बनी रहती है और होनी चाहिए, और क्योंकि ये कैबिनेट में ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो स्वयं रूप से जिम्मेदारी भी होती है, वहाँ डिस्कशन भी होता है, जैसे कोई चीज़ पास करनी है कैबिनेट में तो एजेंडा आता है, एजेंडा पर अपना भी होता है और उसको डिस्कशन भी करते हैं, फाइनली कोई सेंसिटिव इशू होता है तो हर मंत्री अपना डिस्कशन माननीय कल्याण सिंह जी के समय काफ़ी लंबी कैबिनेट मीटिंग है, हर एक मंत्री का व्यू उन्हें अल्टीमेटली बाद में उन्हें सबको सुन के सबकी धारणा सुन के निर्णय किया, वो कैबिनेट में सभी निर्णय संयुक्त रूप से होते हैं, अदरवाइज अलग अलग निर्णय नहीं कर सकते, असहमति के दृष्टि से उचित नहीं होता। आप कल्याण सिंह जी के मंत्रिमंडल में थे तो आपने आगरा में एक आईटी पार्क की लिए घोषणा की थी, एक जगह भी आइडेंटिफाई हुई थी और बोर्ड भी लगा था, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा? देखिए, सबसे पहले तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री था, उनके विभाग का वन आई टी विभाग मिला, तो
मेरा इंटरेस्ट था कि इसमें कुछ ना कुछ नया किया जाए। बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं थी, लेकिन लोगों से मिलकर बैंगलोर गया तो उनके जो गमन उपक्रम का जो कॉरपोरेशन की प्रेरणी से काम और मैंने इच्छा जाहिर की कि नारायण मूर्ति से मिला तो इंडिया से मिला कि नारायण मूर्ति से और जानकारी भी दी, एस्टैब्लिशमेंट भी देखा दो चार दिन का और उनके जो आई टी से जो बस सेवा हो या मेडिकल फील्ड में हो सबसे अच्छा काम बैंगलोर में सभी हो रहा था। और फिर एक कॉन्फ्रेंस थी इसी समय हैदराबाद में, तो रिक्वेस्ट डायरी में चंद्रबाबू नायडू जी के बारे में तो माइक्रोसॉफ्ट के अधिकारी थे उनसे उनका और उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने आधा घंटा दिखाया कि उन्होंने क्या इस सेक्टर में काम किया और फाइल्ड पेपर वर्क कितना कम हो रहा है, ये सब जानकारी मिली। तो यहाँ भी शुरू करने का वो आ के एम आई टी के लिए आगरा सबसे उपयुक्त था, क्योंकि कनेक्टिविटी भी यहाँ सबकी थी, ट्रेन एयर रोड कनेक्टिविटी प्रॉक्सिमिटी दिल्ली नोएडा। तो नोएडा में उस समय रिपोर्ट आई थी कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क डेवलप हो रहा, वहाँ से उस समय 600 करोड़ का वो व्यापार करते थे और निश्चित ही यहाँ प्रायोरिटी थी क्योंकि आगरा के कैबिनेट मंत्री हैं और आगरा सबसे अच्छा सुविधा है, फाइव स्टार होटल भी है और अगर यहाँ जो आएंगे पढ़ेंगे या जो लोग यहाँ करेंगे तो लेजर एक्टिविटीज भी हैं, स्कूल भी अच्छे हैं और घूमने फिरने के लिए भी अन्य उस समय उन अन्य शहरों से बेहतर है। तो यहाँ व्यास के बाद जगह भी चिन्हित हो गई थी, एरिया ने जगह भी दे दी थी और कॉरपोरेशन ने यहाँ शुरू करने की, तब तक मेरा मंत्रिमंडल बदल गया तो फिर उस पर ज़्यादा काम नहीं हुआ। आपने गंगा जल सब लोग यहाँ बहुत क्रेडिट लेते हैं, आपने शांत स्वभाव से बिल्कुल शांत रहते हुए आपने जो काम किए गंगा जल प्रोजेक्ट को सही दिशा देने के लिए उसके बारे में थोड़ा। देखिए 2012 में मैं मंत्रिमंडल में शामिल हो गया था और यहाँ जाने माने पत्रकार राजीव सक्सेना जी ने जाके एक टूट किया था जिसमें गंगा जल के बारे में स्कीम के बारे में थी और कहा था आप इसको करवा सकते हैं, फिर देखते हैं इसको कराए, रिपोर्ट की पढ़ा और 2006 की ये स्कीम बनी हुई, लेकिन हम भी जमा नहीं हो काम भी नहीं शुरू हो पाया था। तो तत्कालीन मुख्यमंत्री से मिला, यहाँ पे साथ नहीं गए थे, बताया इसके बारे में चीफ सेक्रेटरी के उनको भी बताया और थोड़ा परस्यू किया। अल्टीमेटली मुझे दिन भी याद है कि 2012 को ये मंजूर हो गई, पुनः डी पी आर बना और फिर खिचड़ी पकड़े की कि ये सिंचाई विभाग करेगा या जल निगम करेगा, कौन सी साइट सूटेड है, पारा फॉल से सूटेड है कि बलदेव राजवा से सूटेड है, एक और भी वहाँ का अल्टीमेटली आईपा कमेटी में पारा फॉल ग्रेविटी से जो पानी आएगा उसको उचित माना और जो टग ऑफ वॉर इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट था वो खत्म हुआ और जल निगम को भी ये जिम्मेदारी दे दी गई क्योंकि वित्त मंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री ही इसके वित्त मंत्री भी थे और मुख्यमंत्री तो है ही, तभी इसकी मंजूरी फाइनली जल निगम को दी गई और उन्होंने बुलंदशहर से यहाँ तक काफ़ी जिलों पर भी गया, चीफ सेक्रेटरी और आगरा के जो कमिश्नर इन लोगों ने और एक दो मीटिंग भी सर्किट हाउस में की जिसकी समीक्षा के कब तक पूरा 2016 तक पूरा होना था, लेकिन हाँ लेकिन जैसे सरकार चाहती कि उनके कार्यकाल में पूरा हो जाए तो पूरा क्रेडिट मिल जाए,
लेकिन संभव नहीं हो सका, डिले होती है, जैसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं डिले होते जाते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ इशूज थे मतलब के यहाँ वो रिजॉल्व हुए गवर्नमेंट ने, अल्टीमेटली आदरणीय मोदी जी ने इसका। पर अफसोस की बात यह है कि जो रिपोर्ट जो थी जो मैंने देखी थी उस समय, ये 2016 की थी जनगण की, और ये बताया था कि 2026 तक ये जिस तरह से आगरा की आवश्यकताएं हैं वो पूरी करेंगे। लेकिन जब शुरुआत हो गई 2000 मोदी जी ने इसकी तो जब तक विभाग ने इसकी तैयारी नहीं की तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जब तक नहीं होगा तो सब तक नहीं। हम रोज हम लोग अखबार में पढ़ते हैं कि बर्बाद हो रहा वो भी पढ़ते हैं, हम नहीं पहुंच रहा पानी वो भी पढ़ते हैं। ये बड़ा अफसोस लगता है कि इतना प्रयास करने के बाद, इतना पैसा खर्च करने के बाद आगरा वासियों को पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा, वो तकलीफ होती है। आप कई सालों तक कोऑपरेटिव बैंक आगरा के चेयरमैन रहे, तो कोऑपरेटिव बैंक का क्या रोल होता है? देखिए ये सबसे किसानों का बैंक यूँ कहा जाता है कि ये डायरेक्टली सोसाइटीज को लोन देते हैं, सोसाइटी इन टर्न किसानों को लोन देती है, और वो सोसाइटी में जो व्यापार होता है खाद वहाँ जो पहुँचती है वो खाद को भी सोसाइटी के माध्यम से किसानों को दी जाती है। एंड क्वालिटी ऑफ खाद को भी सबसे अच्छी क्वालिटी आती है गवर्नमेंट उसमें वही खाद करती है जिसकी क्वालिटी अच्छी, तो इसलिए डायरेक्ट किसानों से टच सोसाइटी से माध्यम से जिला सहकार बैंक के अंदर इसका होता है। और बैंक भी चलाना है, सोसाइटी को लोन भी देना है, सोसाइटी को लोन से किसानों को भी लोन देना है, रिकवरी भी करना है, तो एक बैंकर के रूप में रिकवरी भी करना होता है और लोनिंग भी करनी होती है। तो इसमें थोड़ी जैसे इंग्लिश का शब्द में डायकोटमी है कि वो यूपी कोऑपरेटिव बैंक इसका चीफ है या रजिस्ट्रार है पूरा कंट्रोल जो विभाग है, तो ना तो पूरा बैंक की तरह ही पूरा अच्छे से काम कर पाता है ना पूरा एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा है। तो उसकी ऑटोनॉमी होनी चाहिए कि बैंक को तो बैंकर के हिसाब से और बाकी जो डिपार्टमेंटल टीम सोसाइटी की जो है वो एक सोसाइटी के रूप में काम करें, तो एक ही एम लेके चलेंगे कि हमको किसानों की बेटरमेंट के लिए लायक है, हमको उपयुक्त है और तो फाइनेंशियली हम लोग मजबूत करें सोसाइटी को अपनी लायक बनाए। सर यू हैव बीन इन पॉलिटिक्स फॉर लॉन्ग, आप जो यंग पॉलिटिशियंस आ रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज? देखिए एक चीज मैं कहना भूल गया था, पॉपुलर आदरणीय अमित शाह जी आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कंप्यूटर भी हो जाएगा, 10-12 उत्पाद सोसाइटियों को मिलेंगे, फाइनेंशियली वायबल भी हो जाएंगे और उसमें कमियां गलतियां ये सब होना कंप्यूटराइज हो जाए, डायरेक्ट एक सोसाइटी डायरेक्टली लखनऊ तक जुड़ेगी और जो लखनऊ वाला सिस्टम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिस्टम से जुड़ेगा, हर एक सोसाइटी में निगाह रख सकते हैं कहीं गड़बड़ ना हो घबरा ना हो, और इससे अच्छा किसानों के लिए कोई वेरी मिनिमम रेट पे वो लोन देते हैं 3% या 5% कम सब्सिडाइज करती है, और इससे अच्छा लोनिंग सिस्टम नहीं है। लेकिन कुछ किसानों की जो ये लोन लेते हैं ये सोचते हैं सरकार का हम लौटाने की इच्छा नहीं है, लौटाना चाहिए 6 महीने में लौटा दें फिर वापस ले लें कोई बात नहीं, उनका भी बना रहेगा और सोसाइटी और बैंक में अच्छी चलेगी। सर मैसेज फॉर यंग पॉलिटिशियंस इन शॉर्ट, अब पॉलिटिशियन दे देमसेल्फ गेट ट्रेंड, ये सिस्टम ऐसा है कि कहीं ना कहीं वो बट वी वांट मोर पॉलिटिशियंस लाइक
अब मैं तो ये नहीं कह सकता कि हम एक आइडियल पॉलिटिशियन हैं, सक्सेस का जो पैरामीटर है जो जीत गया वो सिकंदर है। ओके, सो आज भी क्वाइट ए कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होते हैं और कैसे जीतते हैं कैसे हारते हैं जनता का मूड कैसे किसको वोट देना छह महीने पहले दो महीने बदल जाता है कि नहीं किसको देना और रात भर में बिगड़ गया या क्या हो गया लेकिन इन्फ्लुएंस्ड बाय बहुत सी चीज़ों से वो प्रभावित हो जाते हैं तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, सिंपल नहीं लगता है। और ऐसा लगता है कि जैसे आप काम करेंगे उनके लिए तो आपको मतदान करेंगे उसमें बहुत परिवर्तन हो गया। इनिशियली जब पहला चुनाव था तो ये था कि किसी की आप मदद करेंगे और काम करेंगे तो वो आप जब आपकी ज़रूरत होगी आपको वोट देंगे, जब उनको जरूरत है तो आप उनको सपोर्ट करेंगे। ये रेसिप्रोकल व्यवहार सिस्टम होता है। अब नहीं, आम क्या होगा वो काम करवा लेगा, आपसे भी करवा देगा, एंड में वोट वोट करने के लिए कहीं भी जा सकता है, काम कराने के बाद वोट डालने के लिए कहीं भी जा सकता है, एसोसिएशन वो नहीं होता। ये फर्क आज के और 89 में, और खासतौर पर हमें कॉन्स्टिट्यूंसी रूरल रही है तो जो देहात में आदमी कहते थे कि आपके साथ रहेंगे तो वो साथ रहते थे, तो बिल्कुल अगर आपका स्वागत कर दिया तो आप ही के साथ रहेंगे, आप सबका भी स्वागत कर देते हैं, अल्टीमेटली कहाँ वोट डालते हैं वो अभी पता नहीं। हम चर्चा कर रहे थे राजा हरिदमन सिंह जी से उनके पॉलिटिकल कैरियर के ऊपर, बहुत सबसे इम्पोर्टेंट बात कि उन्होंने आगरा के दो इम्पोर्टेंट इश्यूज आईटी सेक्टर और पानी के लिए जब वो मंत्री थे उन्होंने कार्य किया। हम धन्यवाद करते हैं राजा साहब का कि उन्होंने दो इम्पोर्टेंट सेगमेंट को प्रमोट किया जब कोई सोचता भी नहीं था। धन्यवाद राजा साहब, आपसे बहुत अच्छी चर्चा रही, हम दोबारा फिर से आपके पास आएंगे और नए इशू पर चर्चा करेंगे। Thank you.